एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है, उसने अपने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए। दूसरा, यहाँ फाइनेंशियल टाइम्स अखबार है, इसमें लिखा है हिडन इन्वेस्टर्स एंड अ सीक्रेट पेपर ट्रेल, और ये गार्डियन की अंदर का पेज है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स। देखिए, G20 का समय है, अलग अलग देशों से यहां लीडर्स आ रहे हैं, और आज सुबह एक बहुत गंभीर मामला उठाया गया है दो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में, दुनिया के जो मशहूर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हैं, ये गार्डियन न्यूज़पेपर है, इसमें साफ लिखा है जो मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स डॉक्यूमेंट सजेस्ट, मतलब एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है, उसने अपने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए। दूसरा, यहाँ फाइनेंशियल टाइम्स अखबार है, इसमें लिखा है हिडन इन्वेस्टर्स एंड अ सीक्रेट पेपर ट्रेल, और ये गार्डियन की अंदर का पेज है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स, मतलब $1 बिलियन हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया, और उस पैसे से अदानी जी ने जो उनकी शेयर प्राइस थी उनको उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया, और उस फायदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अदानी जी एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, अभी यहां धारावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अदानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीद रहे हैं। तो ये सवाल इन्होंने उठाया है, और उन्होंने कहा है कि उनके पास सबूत है, पेपर ट्रेल है, इंटरनल ईमेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये जो पैसा यूज किया जा रहा है ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अदानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अदानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके दो बिजनेस पार्टनर और हैं, एक का नाम नासिर अली शबान अली, और दूसरा चैंग चुंग लिंग चाइना का है। तो दूसरा सवाल यह उठता है कि जब अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं, तो ये जो चाइनीज नेशनल है ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है, इसका क्या रोल है, इसने क्या किया, ये साबित होना चाहिए, ये दूसरा सवाल। और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं, ये हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अदानी जी डिफेंस में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, एयरपोर्ट पोर्ट्स में काम करते हैं, तो ये जो दो फॉरेन नेशनल्स हैं, खासतौर ये जो चाइनीज आदमी है चैंग चुंग लिंग, इसका क्या रोल है, ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था जिसने क्लीन चिट दी, जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन किया और जिसने क्लीन चिट दी, आज वो अदानी जी का जो चैनल है NDTV उसका डायरेक्टर है। तो मतलब ये एक नेटवर्क है, इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दिख रहा है, सेबी का चेयरमैन क्लीन चिट देता है और उसके एकदम बाद
अदानी जी की कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है। इंटरनेशनल मामला है, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट किया जा रहा है और उस इन्फ्लेट करने के बाद उससे हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, शांत क्यों हैं? यहां पे फॉरेन न्यूज़पेपर ने साफ कहा है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी। मतलब अखबार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का अदानी जी का रिश्ता है। सवाल उठता है, क्या रिश्ता है? और ये जो एजेंसीज हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये अदानी जी पर रिसर्च क्यों नहीं कर रही हैं? ये अदानी जी को इंटरोगेट क्यों नहीं कर रही हैं? ये सवाल उठता है। हिंदुस्तान का रेप्यूटेशन लाइन पे है, G20 हो रहा है, हम कहते हैं कि यहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है, हिंदुस्तान ट्रांसपेरेंट है, यहां पे भ्रष्टाचार नहीं है, और उन सबके सामने जब वो यहां आ रहे हैं उनके सामने ये उदाहरण है। $1 बिलियन यहां से जा रहा है, स्टॉक प्राइस इन्फ्लेट की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। जिसने इन्वेस्टिगेशन किया उसको अदानी जी ने मतलब अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। तो ये हिंदुस्तान की इमेज को डैमेज कर रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, हम JPC लागू करेंगे, JPC इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा अदानी जी का। इशू एक ही है, इशू ये है कि आज हिंदुस्तान में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अदानी जी हैं, वो हिंदुस्तान के कोई भी एसेट को खरीद सकते हैं, चाहे वो धारावी हो, मुंबई एयरपोर्ट हो, सीमेंट कंपनी हो, डिफेंस कंपनी हो। मैंने अपने भाषण में कहा था, प्रधानमंत्री फॉरेन टूर पे जाते हैं, अदानी जी उनके साथ जाते थे, उसके एकदम बाद उनको अदानी जी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं। तो सवाल लेवल प्लेइंग फील्ड का है। सिर्फ एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री इस प्रकार से क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के सब एसेट खरीद रहा है और क्लियरली उस व्यक्ति ने कुछ गलत तो किया है। $1 बिलियन यहां से गए हैं, किसका पैसा है प्रधानमंत्री को पता लगाना चाहिए किसका है, और देश को ये पता चलना चाहिए है किसका पैसा। नहीं, देखिए, हमने ये रेज किया है क्योंकि यहां पे G20 हो रहा है और हिंदुस्तान की रेप्यूटेशन की बात है, ठीक है? और ये बिल्कुल क्लैरिटी से बोला है इन्होंने, ये कह रहे हैं कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके पास ईमेल्स हैं, $1 बिलियन यहां से गया है और वापस आया है, उसके माध्यम से शेयर प्राइस बढ़ाई गई है और उस शेयर प्राइस के बढ़ाने से हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे गए। तो मैं तो इसको रोज उठा रहा हूं, जब भी चांस मिलता है मैं इसको उठाता हूं और हम उठाते जाएंगे। देखिए, मैं दोहरा रहा हूं कि ये हिंदुस्तान के रेप्यूटेशन का मामला है, ठीक है? हमारे सामने G20 है, यहां पे दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं और यहां पे प्रधानमंत्री पे डायरेक्टली सवाल उठाया गया है। एंड प्राइम मिनिस्टर शुड कम क्लीन, प्राइम मिनिस्टर शुड से यस, आई अनाउंस JPC, आई अनाउंस एन इन्वेस्टिगेशन इनटू मिस्टर अदानी, आई अनाउंस एन इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस, क्या नाम है उसका, चाइनीज वाले का, चैंग चुंग लिंग। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और हमारे मीडिया में भी बड़े खुलासे हुए हैं ये मोदानी घोटाले को लेकर। इसके बारे में राहुल जी कुछ एक साल से लगातार सवाल उठा रहे हैं, इन्होंने लोकसभा में भी एक भाषण दिया था, उसकी कीमत, अरे भाई थोड़ा चुप हो जाइए प्लीज़, उसकी कीमत उनको भरपूर तरीके से चुकानी पड़ी।
और आज जो खुलासे हुए हैं वो बिल्कुल साबित हो गया है कि जो सवाल राहुल जी कर रहे थे, जो सवाल कांग्रेस पार्टी ने 100 सवाल प्रधानमंत्री से पूछे, हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला में, वो बिल्कुल साबित हो गए हैं। और आज के खुलासे के बारे में